हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि अगर आपके डॉग के पैर में कोई तकलीफ़ हो तो उसका क्या इलाज करें, या आपका डॉग अगर लंगड़ा रहा है या लैम कर रहा है। सबसे पहले हम डॉग का एग्जामिन करेंगे कि वह किस पैर से लंगड़ा रहा है या लैम कर रहा है। अगर आपको पता है कि उसको कब और कहाँ कैसे चोट लगी है तो ये अच्छी बात हो सकती है। अगर डॉग अपने पैर को छूने नहीं दे रहा है, या अगर आपने छू भी लिया तो उसके पैर से कहीं चर चर या आपको सूजन महसूस हो रही है, या फिर आपको लगे कि पैर डिसलोकेट या फ्रैक्चर हो गया है या होने की संभावना है, तो अपने डॉग को तुरंत वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाएं, वो पैर का एक्सरे कराएं। पर अगर ये लक्षण यानी फ्रैक्चर ना हो और डॉग को ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, इस समस्या को आप अपने घर पर ही ठीक कर सकते हैं। इसके ठीक करने के कई उपाय हैं। नंबर एक है, हमें एक पतीले में पानी लेना है और उसको उबालना है। उसमें काला नमक और फिटकरी डालना है। फिर उबलने के बाद पानी को थोड़ा ठंडा होने देना, ताकि आपका डॉग अपने पैर पर बर्दाश्त कर सके, और अपने डॉग के पैर की सिकाई करनी है। ये काम दिन में 2 से 3 बार करना है। सेकंड है, मेडिकल शॉप पर एक सिरप है जिसका नाम न्यूरोकाइन पेट सिरप है, जिसका काम नस से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम में काम करना है। इसे अगर आपका डॉग 10 केजी का है तो 5 ml सुबह और 5 ml शाम को 4-5 दिन तक देना है, जो कि आपके डॉग के लिए काफ़ी काम आएगा। इसकी डोज आप अपने डॉग के वेट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेडिसिन भी अगर आपका डॉग प्रेग्नेंट है या मिल्किंग डॉग है तो उससे परहेज करना। इसके अलावा मार्केट में मेलोक्सिकैम नाम की एक च्युएबल टेबलेट आती है, जिसको आप 10 केजी बॉडी वेट पर एक टेबलेट देनी है। इसका ध्यान रखना कि ये दिन में एक बार देना है। प्रेग्नेंट डॉग, मिल्किंग डॉग और 4 केज से कम डॉग यानी पप्पी को नहीं देना है। ये टेबलेट भी आपकी डॉग की प्रॉब्लम में काफ़ी हेल्प करेगी। जो नंबर वन उपाय है दोस्तों, पानी की शिकाई करना, जिसमें नमक और फिटकरी डाल के, ये काफ़ी अहम है। इस काफ़ी डॉग इससे ही ठीक हो जाते हैं। फिर भी अगर आपको ये महसूस होता हो कि मेरे डॉग को राहत नहीं मिल रही है और उसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है या बरकरार है, कुछ भी राहत नहीं मिल रहा है, तो आप अपने वेटनरी डॉक्टर से डॉग को दिखाएं और वेटनरी डॉक्टर से संपर्क करें, जो कि आपके डॉग के लिए काफ़ी अच्छा होगा। समस्या बढ़ ना जाए उसके लिए डॉक्टर को दिखाएं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।